भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2021 में सिंह राशि वालों के लिए पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है तथा इस वर्ष में इनको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 12 राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आने वाला 2021 आपके जीवन में उपलब्धि भरा रहे, खुशियां लेकर के आए, क्योंकि 2020 में अधिकतम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। संपूर्ण देश तथा विश्व के लिए 2020 बड़ा ही दुखदायक रहा है। एक बड़ी महामारी का सामना सभी लोगों को करना पड़ा है, लेकिन 2021 से हम एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। एक नव वर्ष जो आता है, वैसे तो हमारा नव वर्ष गुड़ी पड़वा यानी चैत्र प्रतिपदा से आता है। क्योंकि इस समय कैलेंडर बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती है, इसलिए इसको भी हम मान सकते हैं। तो 2021 का जो शुभारंभ होगा वो 1 जनवरी 2021 को होगा। उस दिन शुक्रवार रहेगा और पोष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन है और जब 2021 का प्रारंभ होगा उस समय कन्या लग्न रहेगी। कन्या लग्न में नव वर्ष का शुभारंभ होगा और कन्या लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध होंगे। तो बुध चूंकि वित्तीय व्यवस्था के स्वामी होते हैं, जो कि सूर्य देवता के साथ में रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य देव और ग्रहों के राजकुमार बुध दोनों एक साथ विद्यमान रहेंगे, जिसे बुधादित्य योग कहा जाएगा। वहीं गजकेसरी नामक एक राजयोग भी उस दिन विद्यमान रहेगा। गजकेसरी का अर्थ होता है कि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को जब पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या फिर केंद्र की स्थिति निर्मित करते हैं, तब बुधादित्य और गजकेसरी नामक राजयोग निर्मित होता है। तो जब नववर्ष 2021 का प्रारंभ होगा उस समय देवगुरु बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी सम सप्तक योग का निर्माण करेंगे, आमने सामने रहेंगे पूरी तरह से। इस कारण से उस दिन गजकेसरी नामक राजयोग निर्मित होगा। तो नवग्रहों की जो स्थिति है वो अलग अलग राशियों में रहेगी, लेकिन इस नव वर्ष जो आ रहा है उसमें बुधादित्य योग तथा गजकेसरी योग दो बड़े राजयोग निर्मित हो रहे हैं और दोनों ही बड़े राजयोग कुंडली में माने जाते हैं। ऐसे दोनों शुभ योगों में जब 2021 का प्रारंभ होगा तो एक कुशलता की उम्मीद हम 2021 से कर रहे हैं कि देश के लिए, विश्व के लिए उन्नतिदायक रहेगा, प्रगतिदायक रहेगा। क्योंकि शुक्रवार को नए वर्ष का आरंभ होना एक प्रकार से अच्छा संदेश लेकर के आ रहा है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन को जो है समृद्धि का दिन भी माना गया है। नव वर्ष की जब ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो वो इस प्रकार रहेगी। कन्या लग्न रहेगी और कन्या लग्न में सूर्य देवता जो रहेंगे वो धनु राशि में विराजित रहेंगे। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस ग्रह गोचर से नववर्ष 2021 का शुभारंभ होगा। तो जब भी हमारा नववर्ष आता है तो हमें उसका खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और पहले दिन जो कार्य हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें पूरे वर्ष परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले दिन हमको कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे पूरा दिन, पूरा वर्ष हमारे लिए उन्नतिदायक रहे, प्रगतिदायक रहे। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 1 जनवरी को आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, जल्दी उठकर के स्नान करना है और स्नान करने के बाद में जो सौभाग्यवती माताएं बहने हैं वो सौभाग्य को धारण करें और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़क देवे। गंगा जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल, कोई भी पवित्र जल अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देवे
उसके बाद मुख्य द्वार पर एक रंगोली बना देवे तथा मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर देवे और मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों की या अन्य किसी प्रकार के शुभ बंधन वारों से उसे सुसज्जित कर देवे। पुष्पमाला भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करें तथा माता महालक्ष्मी का स्वागत करें। इस प्रकार आपको करना चाहिए और उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि याचक या भिखारी मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है तथा गौ माता की सेवा उस दिन करना चाहिए और मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी अच्छी प्रकार से पूजन पाठ करके तथा भगवान से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकालीन वेला में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र को महामंत्र बताया गया है। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो कि हमें आरोग्यता प्रदान करता है, पूरे वर्ष हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना से हमको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का जो परम प्रिय मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इन महामंत्रों का जाप आप कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस दिन पूरे दिन पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए तथा परिवार में प्रेम बना करके रखना चाहिए। यदि आप पहले दिन प्रेम रखेंगे तो पूरे वर्ष प्रेम बना रहेगा, इसलिए परिवार के साथ में प्रेम और सामंजस्य बना रहे ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर तथा उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुसार यदि हम देखें तो सिंह राशि वालों के लिए नया वर्ष कैसा रहेगा तथा सिंह राशि वालों को क्या खास उपलब्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। इस वर्ष आपको अपने कैरियर में शत्रुओं से बच करके रहने की आवश्यकता है, हालांकि आप उन पर हावी रहेंगे जिससे सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आर्थिक जीवन में खर्च आपके बढ़े रहेंगे जिसका असर आपके जीवन पर दिखाई देगा, कर्ज की स्थिति भी बन सकती है लेकिन फिर भी आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। कहीं से आपको उधार यदि आपने पैसा दिया है तो वह भी मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और आप नई संपत्ति जैसे भूमि भवन वाहन का भी जो है निर्माण करेंगे या स्वयं अपनी मेहनत से खरीद भी सकते हैं और इस दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी लेकिन इसके लिए उनको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों का यह सपना पूर्ण होने वाला है, 2021 में उनको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा जिससे आपके कुटुंब में तनाव की वृद्धि होगी। वैवाहिक जातकों को अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा और अपने पेशेवर जीवन में बेहतर करने में आप सफल होंगे। दाम्पत्य जातकों के लिए संतान का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए संतान के स्वास्थ्य की ओर उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोई भी नया काम यदि आप करने जा रहे हैं तो उससे आपको फायदा होगा। यदि आप अभी तक सिंगल है तो आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी और उनसे आपको प्रेम भी हो सकता है और प्रेम के बाद विवाह का योग भी बन सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा और आप यदि कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बच करके रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक आपको रहना चाहिए और उपाय के रूप में माँ दुर्गा को यदि आप लाल चुनरी, लाल वस्त्र या फिर लाल फल वर्ष के पहले दिन अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से 2021 आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको वर्ष 2021 का संपूर्ण यह राशिफल बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।